यूपी के बुलंदशहर में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक दिन पहले ही क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए एक मजदूर की 18 साल की बेटी आरती की मौत हो गई। क्वारंटाइन सेंटर में अचानक हुई मौत की खबर के बाद आनन फानन में बुलंदशहर प्रशासन ने पीड़ित मजदूर परिवार को शव के साथ उसके गांव बिना पोस्टमार्टम कराए ही हरदोई के लिए भेज दिया। एडीएम सिकंदराबाद का दावा है कि युवती टीबी की मरीज थी जिसकी वजह से आज उसकी मौत हो गई। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने उसका कोरोना परीक्षण कराने के लिए सैंपल लेने का दावा किया है। ये है ककोड़ थाना क्षेत्र में स्थित सैनी फार्म हाउस जिसमें बने क्वारंटाइन सेंटर में हरदोई के मजदूर फूल सिंह की 18 साल की बेटी आरती की मौत हो गई। इलाके के एसडीएम की माने तो फूल सिंह हरदोई का रहने वाला है और 10 मई की रात को नोएडा से परिवार के साथ पैदल आते थे। पुलिस टीम ने बुलंदशहर बॉर्डर पर रोक लिया और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्क्रीनिंग के बाद फूल सिंह को उनकी पत्नी व दो बेटियों के साथ क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया। आज आरती को खून की उल्टियां हुई और उसके बाद उसकी मौत हो गई। एसडीएम की माने तो फूल सिंह और उसके परिवार ने पार्टी को टीबी की बीमारी होने की जानकारी प्रशासन से छुपाई थी और समय रहते यदि पता चल जाता तो शायद उसका इलाज हो सकता था। मगर बड़ा सवाल यह है कि जब सरकार ने पैदल चल रहे मजदूरों को स्क्रीनिंग के बाद उनके घर भेजने की व्यवस्था करने के सख्त आदेश जारी कर दिए थे तो उसके बाद इस परिवार को आखिर घर क्यों नहीं भेजा गया, क्यों उसको क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया। हालांकि इलाके के एसडीएम स्वीकार कर रहे हैं कि देर रात को इस परिवार को बॉर्डर पर रोका गया था और रात में इस परिवार को उसके घर भेजने की प्रशासन के पास व्यवस्था नहीं थी। एसडीएम मानते हैं कि मजदूर परिवार काफी पैदल चला जिसकी वजह से आरती की तबीयत बिगड़ गई थी। फिलहाल पीड़ित परिवार की मांग पर प्रशासन ने शव का पोस्टमार्टम कराए बिना ही उसके गृह जनपद में दाह संस्कार के लिए रवाना कर दिया। उमेंद्र तेवतिया की रिपोर्ट। सर आपका नाम और किस पत्र? डॉक्टर साहब, एक युवती की डेथ हुई है, किस वजह से उसकी डेथ हुई है, क्या प्रारंभिक जांच मेडिकल का है? वो कल रात को आई थी क्वारंटाइन सेंटर में, आश्रय स्थल में, तो वहाँ पे चेकअप हुआ था उसका, तब उसने जो है कुछ भी कोरोना के लक्षण नहीं थे उसमें। फिर आज दिन में उसको अचानक जो है खून की उल्टियाँ हुई जिसकी वजह से एक दिन से वो कलेक्ट कर गई और उसकी डेथ हो गई। हम लोग वहाँ पे टाइम से पहुँचे, जैसे हमें सूचना मिली लगभग 5 बजे के आसपास, तो जो है हम वहाँ पे पहुँचे तुरंत 5 मिनट के अंदर। तो वहाँ देखा तो जैसे इलाज करने के लिए हमने उसकी नब्ज वगैरह देखी तो पता चला कि वो एक्सपायर हो गया। नाम है आपका? यशपाल सिंह। यशपाल जी, आज आपके मैरिज होम में एक घटना हुई है, क्या घटना हुई है? घटना एक मरीज थी 12 साल की लड़की, वो पीछे से ही उसकी टीबी का इलाज चल रहा और उसकी जो टेस्ट वेस्टिंग हुई तो वैसे कोरोना कोई ना हो। अच्छा। और उसकी जो बाद में शाम के 4-5 बजे के डेथ हो गई। तो उसके परिवार के साथ, उसके परिवार, कितने लोग थे परिवार के? परिवार के करीब 4 लोग हैं। तो कहाँ से आए थे? अम्मा जी, पिताजी, वो नोएडा से आए थे। और कहाँ जा रहे थे? वो जा रहे हरदोई, हरदोई जो सीतापुर है, इसे बता रहे हैं, मुझे ऐसी जानकारी ना है, उन्हें लेके वो चले गए। सर आज एक युवती का देहांत हुआ है, कहाँ से आई थी वो, कैसे आई थी? ग्रेटर नोएडा से जो है एक दंपति है जो फूल सिंह थे, उनका परिवार था, वो उनकी पत्नी और उनकी दो बेटियां जो है वो यहाँ आए थे, मूल रूप से रहने वाले हरदोई के थे और कल वो वहाँ से पैदल चलते हुए आए हुए थे। तो जो बॉर्डर है, बॉर्डर पर पुलिस द्वारा रोका गया और रात को लगभग 1 बजे जो है पुलिस द्वारा जो है क्वारंटाइन सेंटर द्वारा जो काका डिग्री कॉलेज है वहाँ पहुँचाया गया। वहाँ पर सारे लोगों का जो है डॉक्टरों द्वारा जो है परीक्षण करके जो है और उनके अलग अलग ग्रुपों में सबको जो है रुकने की सब व्यवस्था की गई। तो उस समय सारी चीज़ें सब नॉर्मल थी, कोई बात नहीं थी। आज दिन में जो है अचानक उस लड़की की तबीयत खराब हुई तो सूचना दी गई डॉक्टर को, डॉक्टरों की टीम तुरंत गई वहाँ पर, तो पता चला जब तक परीक्षण कर रहे थे, दवा ववा इलाज कर रहे थे, तभी उनकी डेथ हो गई जो है। बाद में पता चला है जब वहाँ पे उसके माता पिता ने कि इस तथ्य को छिपा लिया था कि वो ट्यूबरक्लोसिस की मरीज थी और काफ़ी लंबे समय से उसका इलाज चल रहा था, इस तथ्य को छिपाया। वो उसके सारे कागजात वहीं पर मिले जिसमें उसने हाल ही में डॉक्टरों को दिखाया था और सारी मेडिकल चेकअप वगैरह कराया था, लेकिन इस तथ्य को उसने इसलिए छिपा लिया। मैंने पूछा कि क्यों ऐसा किया आपने, बताई, हमने उसने बताया कि इसलिए तथ्य को छिपा लिया था कि यदि मैं बताऊंगा तो आप लोग मेरी बेटी को यहाँ भर्ती कर लोगे और मैं अपने गांव नहीं जा पाऊंगा, इसलिए इस तथ्य को छिपा लिया।
क्या सर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है क्या? नहीं, पोस्टमार्टम की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ी कि कोई सस्पिशियस डेथ नहीं थी और उसके माता पिता बार बार अनुरोध कर रहे थे, गरीब लोग थे कि साहब यहाँ हम लोग जो है मर जाएंगे, हमको किसी तरीके से हमारे गांव भेज दीजिए और हम जाके अपने घर पे ही इसका जो है दाह संस्कार की कार्रवाई करेंगे। जहाँ तक डॉक्टरों की टीम द्वारा जो है इसका परीक्षण किया गया तो डॉक्टरों की सलाह पर ही मैंने उसको जो है जाने की अनुमति दी। डॉक्टरों द्वारा बताया गया कि जो किसी तरह कोरोना के लक्षण नहीं थे, फिर भी एहतियात के तौर पर उसकी सैंपलिंग हमने डॉक्टरों से अनुरोध करके उसकी सैंपलिंग करवा दी है और उसके अलावा कोई उसकी सस्पिशियस की डेथ नहीं थी, किसी तरह संदिग्ध अवस्था में कोई मृत्यु नहीं हुई थी, इसलिए जो है उसके माता पिता के जो अनुरोध पर बगैर पोस्टमार्टम के जो है उसको जाने की अनुमति दी गई। तो उनका परिवार कहाँ भेजा गया है? हरदोई। उसका परिवार मूल रूप से हरदोई का रहने वाला है और हरदोई भेजा। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल M4U न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज प्राप्त हो सके। संपर्क सूत्र 8445657566।